हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉरर मूवी को। तो इस मूवी के अंदर लिजरन नाम के ऐसे लोग होते हैं जो भूतों को देख और सुन सकते हैं, और ये कहानी ऐसे ही एक लिजरन के ऊपर है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें एंथनी और मूवी के मेन कैरेक्टर लूसी को दिखाया जाता है, जहां पर ये दोनों भूत पकड़ने का काम करते थे। एंथनी के पास ये पावर था कि जहां पर इंसान की मौत हुई थी, एंथनी उस जगह को ढूंढ सकता था, और लूसी के पास पावर था कि वो भूतों के साथ कॉन्टेक्ट कर सकती थी। जहां पर ये दोनों मिस होप के बुलाने पर यहाँ पर आए थे, क्योंकि मिस होप के घर के अंदर उनकी पति की मौत होने के बाद घर के अंदर बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी, जिस वजह से इन्होंने एंथनी और लूसी को यहाँ पर बुलाया था। जिसके बाद मिस होप इनको घर की चाबी दे के वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ये दोनों घर के अंदर चले आते हैं, जहाँ पर इन दोनों को पता चलता है कि मिस होप के पति की मौत सीढ़ियों से गिरने की वजह से हो गई थी। जिसके बाद ये 6 बजने का इंतजार करने लगते हैं, जहाँ पर ये दोनों कैसे भूत पकड़ेंगे उसके बारे में बातें कर रहे थे। और 6 बजने के बाद ये दोनों घर के ऊपर ही रूम में चले आते हैं, जहाँ पर लूसी को एक सोल दिखाई देती है जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ एंथनी को ये पता चलता है कि इस घर में एक भूत नहीं बल्कि 2 भूत थे, और लूसी के बुलाने पर एंथनी लूसी के पास चला आता है, जहाँ पर इन दोनों को पता चलता है कि ये किसी लड़की की सोल है। तभी लूसी उस भूत से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, जहाँ पर लूसी को पता चलता है कि ये सोल बहुत ही दर्द में है और मदद के लिए पुकार रही थी। तभी ये सोल लूसी के ऊपर हमला कर देती है और लूसी सीढ़ियों से गिरने वाली होती है। तभी हमें 3 साल के पीछे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर लूसी की माँ लूसी को लेके एक जेकब्स एंड कॉप्स एजेंसी में आई थी, जिनका काम होता है भूतों को पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट लेना। जहाँ पर लूसी की माँ लूसी को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आई थी, क्योंकि लूसी एक लिजरन होती है जो कि भूतों को देख और सुन सकती थी, जहाँ पर जान का खतरा भी था। लेकिन लूसी की माँ पैसों के लिए लूसी को इस एजेंसी में ज्वाइन कर देती है, लेकिन लूसी इस एजेंसी में काम करना नहीं चाहती थी, वो स्कूल जाकर पढ़ना चाहती थी, क्योंकि लूसी सिर्फ 13 साल की ही होती है। लेकिन लूसी की माँ लूसी की एक भी नहीं सुनती। लूसी के पिता के मौत होने के बाद से लूसी को उसकी माँ प्यार नहीं करती थी और सिर्फ पैसे के लिए उसको एजेंसी में ज्वाइन कर दिया था। जिसके बाद लूसी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर जेकब लूसी को बाकी लोगों से मिलाता है, जहाँ पर जेकब लॉरी को लूसी को सब कुछ समझाने के लिए बोलता है। लूसी और लॉरी के बीच धीरे धीरे करके गहरी दोस्ती हो जाती है, जहाँ पर इन्हें ट्रेनिंग में बताया जाता है कि 3 टाइप के भूत होते हैं। टाइप 1 के भूतों को पकड़ना आसान है, लेकिन टाइप 2 बहुत ही मुश्किल है, और टाइप 3 को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इन लोगों की ट्रेनिंग चलती थी टाइप 1 के भूतों को पकड़ने का, जहाँ पर इनके पास एक लोहे का तलवार होता है, रेपियर, जो भूतों को दूर रखने का काम करता है। जिसके बाद इन लोगों की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन लोगों को पहले ऑपरेशन में भेजा जाता है, जहाँ पर लूसी की होशियारी की वजह से ये लोग भूत को पकड़ने में कामयाब होते हैं। जिसके बाद इन्हें और एक प्रोजेक्ट दिया जाता है स्कूल के अंदर के एक भूत को पकड़ने का, जहाँ पर लॉरी को भूत पकड़ लेता है, लेकिन लूसी बहादुरी से उस भूत को पकड़ लेती है और अपने दोस्त की जान बचा लेती है। ऐसे काम करते हुए लूसी को 2 साल हो चुके थे जेक्स एंड कॉर्प में, जहाँ पर लूसी की बहादुरी और उसका 3rd ग्रेड पास करने पर लूसी को उसका पहला पर्सनल रेपियर दिया जाता है। इसके बाद लूसी और लॉरी बातें करने लगती है, जहाँ पर लॉरी बताती है कि कब तक आप जेकब के लिए काम करेंगे, चलो यहाँ से भाग जाते हैं आज रात को ही लंदन, जहाँ हम अपनी मर्जी से काम कर पाएंगे और अपने पैसे अपने पास रख पाएंगे। लेकिन लूसी बताती है कि लंदन में तो सिर्फ 4 ग्रेड वालों को ही काम पर रखते हैं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 3 ही ग्रेड है, लेकिन 1 साल के बाद हमारा 4 ग्रेड हो जाएगा, जिसके बाद हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। बात से लॉरी भी मान जाती है, जहाँ पर ये दोनों एक बुक के अंदर साइन करते हैं कि 1 साल के बाद ये यहाँ से भाग जाएंगे। जिसके बाद जेकब सारे लिजरन को लेके एक फैक्ट्री की तरफ जा रहा था, जहाँ पर टाइप 1 के घोष रहते हैं जिन्हें इन लोगों को भगाना था। के बाद ये लोग फैक्ट्री के अंदर चले आते हैं, जहाँ पर लूसी को पता चलता है कि जो भी घोष एक बच्चा है, लेकिन वो टाइप 1 का नहीं है। जहाँ पर लूसी सबको मना करती है उस घोष का पीछा करने को, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनते हैं और घोष को पकड़ने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। जिसके बाद लूसी बाहर आके जेकब को सारा कुछ बताती है कि वो टाइप 1 का घोष नहीं है, प्लीज मदद करो सब लोगों की, लेकिन जेकब लूसी की एक भी बात नहीं सुनता। जिसके बाद लूसी अपने दोस्तों की मदद करने के लिए अंदर चली आती है, जहाँ पर वो देखती है कि सारे दोस्तों को भूत ने पकड़ लिया था सिवाय लॉरी को छोड़ के। तभी सारे दोस्त ने लगते हैं कि लूसी दरवाजा बंद कर दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। इस वजह से लूसी ना चाहते हुए भी दरवाजा को बंद कर देती है, लेकिन लॉरी भूत के कब्जे में आ चुकी थी। इसके बाद सुबह कोर्ट में जैक्सन सारा इल्जाम लूसी के ऊपर दे देता है, और दूसरी तरफ लॉरी का चेकअप चल रहा था क्योंकि अभी भी उसके ऊपर भूत हावी है। इसके बाद हमें लूसी को दिखाया जाता है, ये सब होने की वजह से लूसी पूरी तरीके से टूट गई थी, जहां पर उसकी माँ उसको जेकब एजेंट में ज्वाइन होने के लिए फोर्स कर रही थी, जिस वजह से लूसी अपना घर छोड़ के लंदन के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पर ढूंढने लगती है कि लंदन के किस एजेंसी में उसे जाना चाहिए। इसके बाद लूसी लंदन पहुँच जाती है, लेकिन लंदन के कोई भी एजेंसी लूसी को कम एज होने की वजह से
उसे जॉब के लिए रिजेक्ट कर देते हैं। जिसके बाद लूसी उदास होकर एक कॉफी शॉप में बैठी होती है, जहाँ पर उसे लॉकवुड एंड कॉक के बारे में पता चलता है, जो भूत पकड़ने के लिए एक लिजरन को ढूंढ रहे थे। इसके बाद लूसी पेपर में जो एड्रेस था उस एड्रेस में पहुंच जाती है, जहाँ पर लूसी की मुलाकात जॉस से होती है। जिसके बाद जॉस उसे अंदर लेके आता है, जहाँ पर एंथनी होता है जिसने पेपर में ये खबर छपाई थी। इसके बाद एंथनी लूसी को एक जाल दिखाता है जिसके अंदर एक खोपड़ी थी और उसी के अंदर एक आत्मा को भी कैद करके रखा गया था, जो देख के लूसी डर जाती है। इसके बाद एंथनी लूसी का टेस्ट लेता है, जिस टेस्ट में लूसी पास हो जाती है। जिसके बाद एंथनी लूसी को पूरा घर दिखाने लगता है, जहाँ पर लूसी पूछती है कि जो जार के अंदर खोपड़ी था वो जार किसका है, जहाँ पर एंथनी बताता है कि ये जार जॉर्ज का है, जिसे जॉर्ज ने चोरी करके लेके आया था। यहाँ पर ये घर एंथनी के पेरेंट्स का होता है और जॉर्ज यहाँ पर एक साल से रह रहा है, जहाँ पर एंथनी लूसी को अपना बेसमेंट दिखाता है जिसके अंदर भूत पकड़ने का सारा सामान था। जिसके बाद एंथनी लूसी को उसका कमरा दिखा के चला आता है, जहाँ पर रात होने पर लूसी और एंथनी बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूसी फिसल रही होती है, जहाँ पर एंथनी घोष के साथ लड़ाई कर रहा था और घोष को भगा देता है। जिसके बाद एंथनी लूसी को बचा लेता है। यहाँ पर लूसी को फिर से एक अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि इस आत्मा की कत्ल इस घर के अंदर ही हुआ था। यहाँ पर लूसी एंथनी को पूछती है कि आत्मा किधर गई। जिसके बाद ये लोग उसी जगह पे पहुँचते हैं, क्योंकि आत्मा की बॉडी उधर ही हो सकती है, जिस वजह से उन्होंने पहले घेरा बना दिया और उस जगह को खोलने लगे, जहाँ पर वो आत्मा आ चुकी थी और सारे दरवाजों को बंद कर देती है। लेकिन एंथनी दीवार को खोद रहा था, जिस वजह से दीवार का कुछ टुकड़ा इनके ऊपर गिरता है, जिस वजह से ये दोनों घेरे से बाहर चले आते हैं और आत्मा एंथनी के ऊपर हमला करने के लिए चले आता है। लेकिन लूसी आत्मा के ऊपर कुछ फेंकती है, जिस वजह से रूम में आग लग चुकी थी। तभी ये दोनों देखते हैं कि उस लड़की की डेड बॉडी दीवार के अंदर होती है। यहाँ पर एंथनी बोलता है कि इस आत्मा का सोर्स ये बॉडी है, उसके ऊपर सिल्वर का नेट डाल दो। लेकिन लूसी को अब भी लग रहा था कि उस आत्मा के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। तभी वो आत्मा लूसी के ऊपर हमला करने के लिए आती है, जिस वजह से लूसी सिल्वर कपड़ा डाल देती है, जिस वजह से आत्मा वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर घर के अंदर आग लग चुकी थी और इन्हें यहाँ से बच के जाना था। लेकिन लूसी डेड बॉडी के हाथ में एक अंगूठी देखती है, जिसे ये ले लेती है, जहाँ पर ये दोनों घर के बालकनी में आ जाते हैं। आग से बचने के लिए ये दोनों कूद जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। इसका दूसरा एपिसोड अगर आपको देखना है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में यस जरूर लिखना।